हे एवरीवन, वेलकम बैक, दिस इज मी योर विशाल सर। तो गाइज, यहाँ पे वेटेज सिस्टम और रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ा न्यूज़ है, बहुत बड़ा अपडेट है और मुझे कुछ काफ़ी चीज़ें आपको दिखानी भी हैं। और जैसा मैंने कल परसों दो दिन कहा था कि आज संडे को हम शाम 4 बजे से एक कैंपेन रन करने वाले हैं, मुझे आप सबका उसमें सपोर्ट चाहिए। अब अगर ये भी सपोर्ट ठीक से नहीं मिल पाया तो फिर कुछ भी कह पाना वेटेज सिस्टम को लेकर के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो ये है कि पहला बात तो भाई बहुत सारे यूट्यूबर रिजल्ट को लेकर के जो सो चीज़ें कह रहे हैं और बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर आप कुछ बता रहे हैं कि रिजल्ट का डेट क्या हो सकता है या क्या होगा। देखो, जब भी मेरे पास में कोई अपडेट आया मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैं अभी भी शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है? आपका फ्यूचर भी आपसे बात करना जरूरी है। तो यहां पे देखो, ये चैनल स्टडी विद विशाल सर आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने लॉन्च किया था जस्ट 3-4-5 दिन पहले और आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिला है, बहुत सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर लेना। और ये देखो, क्लास 10-12 के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, क्लास 10-11-12 तीनों क्लास के सारे नोट्स जो हैं वो यहां पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हमारा जो मेन चैनल विशाल कुमार जायसवाल, ये देखो यहां पे 2 फोल्डर्स मैंने बना दिए हैं, यहां पे भी सारे नोट्स हैं। आपको देखना कम से कम शुरू करो और शेयर करना शुरू करो। अच्छा, अब एग्जाम का रिजल्ट का बात करते हैं। रिजल्ट का जब बात करते हैं ना, तो पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं और आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये देखो, आसाम एचएस रिजल्ट का बारे में बात हो रहा है और यहां पे सबसे शॉकिंग मुझे लगा, ठीक है, वो ये चीज है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने अनाउंस कर दिया है डेट को, क्लास 12 रिजल्ट के डेट को। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने सैटरडे को ही अनाउंस कर दिया कि आसाम का रिजल्ट निकलेगा, अनाउंसमेंट होगा जून 27 को 9 बजे सुबह। कैन वी एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम सीबीएसई? ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीबीएसई पहले से बता दे कि यार फलाना तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है? नोबडी नोज। किसी कोई वो उनके एक ऑफिशियल कहता है कुछ, एक ऑफिशियल कहता है कुछ। जून एंड तक डेट माना एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि मार्क्स अपलोडिंग होना शुरू हो चुका है, बट वेटेज सिस्टम कहां है? वेटेज सिस्टम का तो आता पता नहीं है। उस पर भी सीबीएसई को भी यही नहीं पता कि वो अपना जो सालों का एक ट्रेंड है उनका क्लास 12th का रिजल्ट लाने का, उसको पहले लाएंगी कि किसको पहले लाएगी, क्योंकि 12th रिजल्ट ही पहले आना चाहिए। मीडिया में भी आ चुका है, न्यूज चैनल्स कुछ ऑफिशियल्स ने मुझसे भी बात करते हुए कहा कि सर 12th का आने का पहले चांसेस है। वाई? क्योंकि उनको एडमिशन प्रोसेस में बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया गया, सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए वो लोग वेट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर यह चीज सबसे बड़ा शॉकिंग है। और यही चीज देखो मैं आपको दिखा हूं, यहां पे देखो क्या सिनारियो है, यहां क्या है, ये देखिए टाइम्स नाउ न्यूज का न्यूज है। सीबीएसई ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है, मार्क्स का अपलोडिंग की प्रोसेस जारी है, लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। रिजल्ट कब तक आएगा अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है, डेट कभी भी हो सकता है, रिजल्ट कभी भी हो सकता है। और यहां पर यह भी लिख दिया कि 33% या 30% मार्क्स अनिवार्य है, 1 या 2 में अगर मार्क्स कम रहे तो आपको कंपार्टमेंट की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां पे देखो भैया, इसका मतलब अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, तो देखो भाई अभी तक के जो हमारे पास में अपडेट्स हैं उसको अगर मैं देखूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जून एंड बहुत कम चांस लग रहा है, हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली चांसेस है जुलाई का फर्स्ट वीक, ठीक है। लेकिन क्लास 10-12 कौन पहले आएगा अभी ये पूरा अनक्लियर है, इसलिए इस पे मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, पहला बात। दूसरा बात, अब यहां पे शाम 4 बजे हम लोग कैंपेन रन करने वाले हैं। ये है मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल विशाल @विशाल आर्यव, ठीक है, विशाल कुमार जायसवाल। आज शाम 4 बजे से हमें कैंपेन को रन करना है, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज #, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स। अब आप कितना सपोर्ट करोगे ये देखो, क्योंकि भैया आज एक बच्चे ने मेरे साथ में किसी बड़े यूट्यूबर का शेयर किया और उसके बाद में धड़ाहट लग गया, बड़े यूट्यूबर का वीडियो को शेयर करने का सिलसिला सा चल गया और मैंने जब सुना तो मेरा मैंने माथा पीट लिया। बच्चों ने उनको शायद रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप बेस्ट ऑफ फाइव टर्म्स के लिए सपोर्ट कीजिए, तो उनका कहना था अरे अभी हड़बड़ी कहाँ है, पहले रिजल्ट निकल जाने दो और रिजल्ट निकल जाने के बाद में हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। रिजल्ट निकलने के बाद बचा ही क्या है ना, रिजल्ट निकलने के बाद तो कुछ नहीं बचा, उसके बाद में तो आप बैठो, आपके जो मार्क्स आ गए सो आ गए। सो वेटेज सिस्टम पे आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं कि यही कर सकते हैं कि आज हम कर रहे हैं। और प्लीज डिफरेंसेस मत रखो यार, मैं बाबा बोल चुका हूं, 50-50, 30-70 ये सब आपके काम नहीं आएगा। सब्जेक्ट वाइज बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स अगर सीबीएसई ने मान लिया तो आप लोग बहुत बड़े फायदे में रहोगे, बहुत ज्यादा। कैसे, वो मैं कंपैरिजन आप लोग को बार बार दिखा चुका हूं, अगर फिर भी अगर आपको देखने की इच्छा है तो चलो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, बहुत बड़ा परसेंटेज का फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आप लोग एक बार देख लो जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखा था, कि भाई अगर तीनों को एक साथ में ला के शामिल किया जाए तो ये होगा कि आपके जो भी मार्क्स रहे 50-50 रहा तो परसेंटेज 78.8% के आसपास रहेगा, 79.6% के आसपास रहेगा,
85.6%, मतलब जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे उस मार्क्स के आधार पे एक ये एग्जांपल लिया गया है यहां पे, लेकिन परसेंटेज उसी मार्क्स पे तीन अलग अलग वेटेज सिस्टम रहने पे क्या फर्क पड़ेगा, वो दिख रहा है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, ठीक है। सो प्लीज यार, प्लीज सपोर्ट करो, ठीक है। और मैं उससे भी बड़ी सपोर्ट मैं आपसे ये मांग रहा हूं कि आप लोग फिर पिछड़ जाओगे, फिर आप लोग बैकहैंड में चले जाओगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई मत गलती करो, ठीक है, मत गलती करो, आगे भी सोचना बहुत जरूरी है। सो ये नया चैनल हमने बना दिया है, देखो लगातार मैं वीडियोस दे रहा हूँ, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर सिर्फ इंग्लिश के वीडियोस आएंगे, जी नहीं, आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए सारे मिलेंगे और आप खुद जाके देखो कैसा है। लेकिन मुझे अफसोस लगता है जब आप लोग शेयर नहीं करते हो किसी भी वीडियो को, शेयर नहीं करोगे तो आपस में एक ग्रुप कैसे बनेगा, एक अच्छा ग्रुप कैसे फॉर्म होगा, पैसे भरना